यदि आप इस चैनल से नए जुड़े हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर देना, ताकि आने वाली हर कहानी के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और कहानी जैसी भी लगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। जुलाई का समय था और रात के करीब 11 बज रहे थे। रात की काली माँ को बादलों की घटाओं ने और भी भयानक रूप से काली कलोटी बना दिया था। खैर, इस भयानक सन्नाटेदार अंधियारी रात की परवाह न करते हुए गुगली राधेनगर एक्सप्रेस अपनी तेज रफ्तार से अपने गंतव्य की ओर दौड़ते चली जा रही थी। चंदू अपनी सीट पर गहरी नींद में चला गया था, पर पास वाले सामने की सीट पर सोए हुए बुजुर्ग करवटे बदल रहे थे। उनके करवटे बदलने का यह कारण था कि उन्हें अगले स्टेशन पर उतरना था, जो लगभग आधे पौन घंटे में आने वाला था। ठीक 11:40 पर चौंचों करते हुए ट्रेन रुकी। बुजुर्ग ने तेजी से चंदू को हिलाकर जगाया और कहा, बेटा मेरा स्टेशन आ गया है, जरा मेरा सामान उतरवाने में मेरी मदद करो। चंदू आंख मलते हुए अध खुले मुंह से उबासी लेते हुए उठ बैठा और उस बुजुर्ग के सीट के नीचे से उनकी अटैची और एक बड़े बैग को निकाला। फिर चंदू ने उस बुजुर्ग के सामान को ट्रेन से नीचे उतारा। बुजुर्ग ने चंदू को प्रसन्न दृष्टि से देखने की बजाय थोड़े उदास मन से देखा और फुसफुसाकर बोला, बेटा जरा सावधानी बरतना, क्योंकि मेरी सीट अभिशापित है। लगभग 12 बजने को है। अच्छा होगा कि आपने स्टेशन पर उतरने तक तो जगा ही रहे, वैसे भी 2-4 घंटे में तेरा स्टेशन भी आ जाएगा। चंदू कुछ समझ नहीं सका, पर चेहरे पर प्रसन्नता लाते हुए उस बुजुर्ग व्यक्ति को बाय बाय किया और फिर अपनी सीट पर आकर बैठ गया और उस बुजुर्ग की कही हुई बात पर विचार करने लगा। अब तो वैसे भी चंदू की नींद गायब हो चुकी थी और बार बार उसके दिमाग में एक ही बात कौंध रही थी कि उस बुजुर्ग ने ऐसा क्यों कहा कि अपना स्टेशन आने तक जगा ही रहे। खैर, और इसी समय घनघोर घटाओं से बड़ी बड़ी बूंदे निकलकर ट्रेन की छत को भिगोना शुरू कर दी। 5 मिनट भी नहीं बीता होगा कि ट्रेन अपनी पूरी स्पीड में आ गई और बारिश भी, जी हाँ, हल्की हवा के साथ, जोरदार गड़गड़ाहट के साथ बारिश, जिसे हल्की हवा भी साई साई करने लगी थी। चंदू के आसपास की सीटें लगभग खाली ही थी, क्योंकि उसके डब्बे में उस बुजुर्ग के सिवा कोई नहीं था। वो बुजुर्ग भी चंदू को थोड़ी दिमाग पर जोर डालने वाली बात बताकर पिछले स्टेशन पर उतर चुके थे। बाकी के सभी यात्री तो पहले के स्टेशन पर उतर चुके थे। खैर, चंदू डरने वालों में से नहीं था। उसने सोचा कि लगभग 2-4 बजे तक उसका स्टेशन आ ही जाएगा, क्यों नहीं जागकर यह समय काट लिया जाए। उसने बुजुर्ग के उतरने के समय जलाई हुई बत्तियों को वैसे ही जलने दिया, पर अब मात्र एक बत्ती को छोड़कर बाकी बत्तियों को बुझा दिया। फिर सीट पर ऐसे लेटा कि उसका मुंह सामने की सीट की ओर हो और आंखें बंद कर कुछ गुनगुनाने की कोशिश करने लगा। ट्रेन अपने प्रियतम से मिलने को आतुर किसी मदमस्त नवयौवना की तरह बारिश की परवाह न करते हुए तेज गति से लोहे की पटरियों को बेरहमी से कुचलते हुए दौड़ी चली जा रही थी। अचानक तेज बिजली कौंधी और डिब्बे की खिड़की में लगे कांच को पार करते हुए डिब्बे में कुछ पल के लिए उजाला कर रप्पू चक्कर हो गई। तभी अचानक हड़बड़ाकर चंदू उठकर अपनी सीट पर बैठ गया। उसे ऐसा लगा कि कोई व्यक्ति तेज कदमों से उस डब्बे में आया हो। वह कुछ समझे उससे पहले ही एक लड़की एक अटैची लिए धड़ाम से आकर उसके सामने वाली सीट पर बैठ गई। मंद प्रकाश में वह बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, पर साथ ही वह पूरी तरह से भीगी हुई थी और उसके बालों की लटों से पानी भी टपक रहा था। चंदू कुछ समझे कुछ बोले उससे पहले ही उस लड़की ने अपनी अटैची खोली और उसमें से तौलियों को निकाल कर अपने सर को पोंछने लगी। अपने बालों में तौलियों को फिराते हुए मंद प्रकाश में उसका गुलाबी चेहरा और भी खूबसूरत लग रहा था। चंदू थोड़ा डर गया जब उसे उस बुजुर्ग की बात याद आई
और साथ ही उसके दिमाग में यह भी बात कोंदी कि अचानक इतनी तेज बारिश में इतनी तेज रफ्तार से दौड़ती ट्रेन में यह बला चढ़ी कैसे। वह बहुत ही घबरा गया क्योंकि ट्रेन तो रुकी नहीं थी, फिर यह लड़की यहाँ कैसे। अचानक उसके दिमाग से आवाज आई कि हो सकता है कि पिछले स्टेशन पर दूसरे डब्बे में चढ़ गई हो और अब यहाँ पहुंची हो। पर फिर एक शंका उत्पन्न हुई, अगर किसी पिछले डब्बे में चढ़ी भी हो तो बारिश तो ट्रेन के चलने के साथ शुरू हुई थी, तो यह भीगी कैसे। और यह भीगी भी इस तरह जैसे अभी अभी इसी बरसात से भीग कर आई हो। चंदू का दिमाग अब काम करना बंद कर दिया था और उसका पूरा शरीर पसीने से नहाना शुरू कर दिया था। पसीने की कुछ बूंदे तो उसके गालों पर अपना घर बना ली थी। वह गुमसुम मन से डरे सहमे बिना कुछ बोले अपने सीट पर बैठा रहा। 5 मिनट तक की चुप्पी के बाद अचानक उस लड़की ने मुस्कुराते हुए हाथ मिलाने के अंदाज में अपना हाथ चंदू की तरफ बढ़ाया और चंदू अपना हाथ बढ़ाए इससे पहले ही वह लड़की बोल पड़ी, मेरा नाम चंदा है और मैं अपने मौसी के घर जा रही हूँ। चंदू भी हकला कर बोल पड़ा, मैं चंदू। बस इससे अधिक वह कुछ बोल न सका। इसके बाद तो वह लड़की इस तरह से बोलना शुरू कर दी जैसे कोई समाचार वाचिका हो, जिसे 10 मिनट में बिना ब्रेक के 1000 समाचार सुनाने हो। चंदू तो बस और बस थूक घोटे हुए बैठा रहा और डरे सहमे अपने स्टेशन का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। अचानक पता नहीं क्या हुआ कि तेज झटके के साथ ट्रेन अपनी जगह पर खड़ी हो गई, शायद कोई छोटा स्टेशन आया था। अभी चंदू कुछ समझे तभी स्टेशन पर किसी मर्दानी आवाज में घोषणा की जा रही थी, तकनीकी खराब के चलते गुगली राधेनगर एक्सप्रेस अभी आगे नहीं जा सकती। इस तकनीकी खराबी को दूर करने में 2 घंटे लग सकते हैं, सभी यात्री सहयोग करें। चंदू के लिए यह एक और नई मुसीबत थी। अब तो उसका दिमाग पूरी तरह से चकरा गया, करे तो क्या करे। खैर उसने घड़ी देखी, उसकी घड़ी उस समय रात के 2 बजा रही थी। मन को तसल्ली दिया कि कोई बात नहीं, 2-3 घंटे में वैसे भी सुबह हो जाएगी। अचानक उसके सामने की सीट पर करवटें बदलती हुई लड़की फिर से बोल पड़ी, लगता है कोई बड़ी खराबी हो गई है। खैर अगर आप चाहे तो मेरे साथ नीचे उतर सकते हैं। इस स्टेशन के पास ही मेरे एक रिश्तेदार रहते हैं, हम लोग उनके घर जा सकते हैं और सुबह सुबह फिर कोई दूसरी ट्रेन पकड़कर अपने अपने गंतव्य की ओर जा सकते हैं। चंदू कुछ बोल न सका पर पता नहीं क्यों उस लड़की के पीछे पीछे अपना सामान लिए उतर पड़ा। तेज बारिश में अपने तेज कदमों से छप छप करती हुई स्टेशन के बाहर जाती हुई वह लड़की और बेसुध सा उसके पीछे पीछे चलता हुआ चंदू, लगभग 5-7 मिनट चलने के बाद उस लड़की ने एक घर के बाहर लगी घंटी बजाई, दरवाजा खुला और वह घर के अंदर चली गई, पीछे पीछे चंदू भी गया। घर के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही औरत थी पर चंदू उसको भी ठीक से नहीं देख पाया था। खैर घर के अंदर पहुंचते ही साथ आई लड़की चंदा ने एक तौलिया लाकर चंदू को दिया और साथ ही कुछ अच्छे कपड़े दिए, साथ ही होले से मुस्कुराती हुए बोली कि आप आराम से अपने कपड़े बदल सकते हो, तब तक मैं चाय बनाकर लाती हूँ। अब चंदू कुछ सहज महसूस कर रहा था पर डरा हुआ तो अभी भी था। उसने धीरे से बोला कि चाय की आवश्यकता तो नहीं लग रही, पर पता नहीं फिर क्या सोचकर बोला, अच्छा थोड़ा चाय पिला ही दीजिए। लगभग 10 मिनट भी नहीं बीते होंगे कि वह लड़की चंदा उस कमरे में दाखिल हुई और मुस्कुराते हुए एक प्याली चंदू की तरफ बढ़ा दी। कप कपाते हाथों को संभालते हुए अपने दाएं हाथ को बढ़ाकर चंदू ने कैसे भी प्याली ले ली और उसे अहिस्ते से होठों से लगाया, चाय की चुस्की लेने की कोशिश करने लगा। अभी चंदू चाय की प्याली को पूरी तरह से खत्म नहीं किया था कि उसे एक बहुत सी अजीब और भयानक चीज देखने को मिली। वह जिस कमरे में था उसमें एक बड़ा सा शीशा लगा हुआ था। अचानक जब उसकी नजर उस शीशे पर पड़ी तो क्या देखता है कि उस शीशे में उसे एक अति भयानक एक आंख वाली प्रेतनी दिखाई दी, जिसके बाल पूरी तरह से बिखरे हुए और चेहरा बहुत ही डरावना था। वह तो पूरी तरह से घबरा गया क्योंकि उसके पास बैठकर चाय की चुस्की लेने वाली चंदा तो बहुत ही खूबसूरत थी और उन दोनों के सिवा तो उस कमरे में कोई नहीं था। फिर क्या, उसने हनुमान जी का नाम लेते हुए खुद को संभाला और चाय को खत्म करके प्याली चंदा की ओर बढ़ा दी। चंदा ने अपनी प्याली पहले ही खाली कर दी थी, फिर वह हौले से उठी और उन दोनों प्यालियों को लेकर घर के अंदर चली गई।
उसके जाते ही चंदू ने फिर उस शीशे की ओर देखा, पर अब उस शीशे से उस भूतनी का चेहरा गायब था। अब तो चंदू को उस बुजुर्ग की बात फिर से याद आ गई और वह समझ गया कि वह बुजुर्ग क्या कहना चाहते थे। खैर, अब चंदू ने धीरज और विवेक से काम लेना शुरू कर दिया था। अब उसने बिना देर किए अपनी अट्टैची से तुलसी की माला निकालकर गले में पहन ली, साथ ही दुर्गा सप्तशती की पुस्तक भी निकालकर अपने सिरहाने रख ली। अरे ये क्या, प्याली रखने के बाद जब चंदा आई तो थोड़ा सहम कर चंदू के पास न बैठकर थोड़ा दूर ही खड़ी रही और कातर दृष्टि से चंदू की तरफ देखते हुए उससे वह माला निकालकर दूर फेंकने का इशारा किया। पर चंदू अब पूरी तरह सावध हो गया था, उसने ऐसे नहीं किया। दुर्गा सप्तशती को हाथ में उठा लिया। दुर्गा सप्तशती को हाथ में उठाते ही सुंदर, आकर्षण, मासूम सी लगने वाली और मीठी मुस्कान वाली चंदा का चेहरा अचानक कठोर होने लगा और देखते ही देखते वह पूरी तरह से भयानक लगने लगी। पर अब चंदू भी खुद को मजबूत करते हुए कुछ मंत्रों का उच्चारण करने लगा और दुर्गा सप्तशती को हाथ में कसके दबाए उस कमरे से बाहर निकलने लगा। उधर वह चंदा अपने माया जाल में चंदू को उलझाने का पूरा प्रयत्न करते रही, उसके पीछे पीछे बाहर आ गई, पर वह चाहकर भी चंदू का कुछ बिगाड़ नहीं पा रही थी। अभी चंदू उस घर से निकलकर तेजी से कुछ ही दूर बढ़ा था कि अचानक वह बस्ती पता नहीं कहां गायब हो गई और साथ ही वह चंदा प्रेतनी भी। हर तरफ डरावना घना जंगल। अब तो चंदू पूरी तरह से फंस चुका था क्योंकि उसे बाहर निकलने का कोई मार्ग नहीं सूझ रहा था। अभी चंदू कुछ और दिमाग दौड़ाए तभी उसके कानों में उसी बुजुर्ग की आवाज सुनाई दी। बेटा, तुम ठीक तो हो ना? यह आवाज सुनते ही चंदू पीछे मुड़कर देखा तो एक संत जैसे बुजुर्ग उसे दिखाई दिए जो चलते हुए उसकी ओर ही आ रहे थे। चंदू फिर डर गया क्योंकि उसे लगा कि कहीं ये भी चंदा का माया जाल तो नहीं। पर पता नहीं क्यों उस सज्जन के पास आते ही चंदू का डर रफू चक्कर हो गया और वह पूरी तरह से सहज महसूस करने लगा। फिर क्या था, वह सज्जन किसी घटना का जिक्र करते हुए आगे आगे चल रहे थे और उनकी बातों को ध्यान से सुनते हुए चंदू उनके पीछे पीछे चल पड़ा। दरअसल उस सज्जन ने चंदू को बताया कि वे पास की ही बस्ती में रहने वाले है और चंदा उनकी ही बच्ची है जिसको मरे हुए 5 साल हो चुके हैं। उन्होंने आगे भी उदास मन से कहना जारी रखा कि चंदा उस समय 17 साल की थी जब इसी ट्रेन से आ रही थी। उसके साथ 2-3 युवा भी थे। जब ट्रेन इस जंगल से होकर गुजरने को हुई तो उन लफंगों ने ट्रेन की चेन खींचकर जबरदस्ती चंदा को लेकर इसी जंगल में आ गए थे। फिर अपनी हवस मिटाने के बाद चंदा का कत्ल कर दिए थे। तभी से चंदा मरकर भी जीवित है और इस ट्रेन से आने वाले उस सीट पर बैठने वाले जिस पर तुम बैठे थे किसी भी युवा को बहलाकर अपने माया जाल में उलझाकर यहाँ उतार लेती है और फिर उसको मार देती है। उस सज्जन ने यह भी बताया कि दरअसल ट्रेन जहाँ रुकी थी वहाँ न कोई छोटा स्टेशन है और ना ही कोई घोषणा होती है, पर रात के समय उस सीट पर बैठे किसी भी युवा को वह छोटा स्टेशन दिखाई देता है और साथ ही ट्रेन के वहाँ रुकते ही घोषणा भी सुनाई देती है। यह सारा काम चंदा द्वारा किया जाता है। हमारी और भी डरावनी कहानियां सुनने के लिए स्क्रीन पे जो वीडियो दिख रहा है उसे क्लिक कीजिए और डरावनी कहानियों का मजा लीजिए।